के लोकसभा का चुनाव सारे देश में है, हरियाणा में, सभी प्रदेश में 10 लोकसभा का चुनाव और एक हमारी विधानसभा का चुनाव, 11 चुनाव हरियाणा में होंगे। हम लोगों ने अन्य दलों की अपेक्षा अपनी तैयारी पूर्ण समय पहले शुरू कर दी है। हमारे सभी कार्यालयों का चाहे लोकसभा के थे चाहे विधानसभा के साथ शुरू हो चुके हैं, जिनका उद्घाटन हो चुका है। टूर प्रोग्राम्स, चाहे वो वर्कर मीटिंग है, चाहे सभाएं हैं और चाहे व्यक्तिगत मिलना जुलना है, ये सब पर्याप्त समय पहले शुरू कर दिया है। अभी चूंकि समय पर्याप्त है, लगभग 50 दिन हमारे पास है चुनाव के लिए, तो 50 दिन में हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल पर एक्टिव होकर के घर घर जाने का काम, लाभार्थी संपर्क का काम, वोटर संपर्क का काम, तो खास करके जो नए वोटर्स हैं उनको संपर्क करना और अपने केंद्र सरकार की माननीय मोदी जी की जो उपलब्धियाँ हैं वो हमने घर को पहुँचानी है, बतानी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। हाँ, साथ ही हमारी 9.5 साल की जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ वो भी निश्चित रूप से बताएंगे। कुल मिलाकर जनता इसमें उत्साहित है। जहाँ जहाँ मेरे दौरे हुए हैं, मैं स्वयं करनाल लोकसभा से कैंडिडेट हूँ, फिर भी पार्टी ने मुझे पूरे हरियाणा में चाहे जनसभाएं हो और चाहे हर जगह जाकर कुछ व्यक्तिगत मिलने जुलने का काम हो, सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर, यानी लोकसभा करनाल के अलावा 9 अलग से उन सम्मेलनों में जाऊंगा। अभी मैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और चौथी आज है सिरसा, इन सब लोकसभा में जाते हुए फिर आगे शेष जो बचे हैं चाहे अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, रोहतक है, इन सब में भी एक एक दिन के लिए जाना होगा। और हमारी कार्यकर्ताओं की टीम पूरे उत्साह के साथ लगी है और मुझे पूरा विश्वास है, अभी विपक्ष के लोगों की तो कैंडिडेट्स ही तय हुए हैं, लेकिन हमारा सारा कार्यकर्ता, हमारे कैंडिडेट्स, हमारा कैडर वो पूरे मन से और इसमें लग गया है और इस काम को आगे बढ़ा करके निश्चित रूप से हम जीते हैं। जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों में आप गए हैं वहाँ का क्या माहौल लग रहा था? जैसे जहाँ नहीं गया हूँ वहाँ की रिपोर्ट्स तो मेरे पास आई जाती हैं, लेकिन नहीं आती हैं जहाँ गया हूँ या नहीं गया हूँ। हमारे पास सभी 10 लोकसभा सीटों के जो रिजल्ट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में 10 की 10 सीटें जीतने के फेवर में आएंगे। हाँ, निश्चित रूप से जो उसका मार्जिन है, जो उसमें वोटों की बढ़त है, वो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग पहले भी रहती है, अभी भी रहेगी। जैसे पिछली बार हमारी सबसे ज़्यादा बढ़त करनाल लोकसभा में थी और देश में दूसरे स्थान पर करनाल लोकसभा मार्जिन के मामले में रही थी। तीसरी भी हमारी हरियाणा में थी फरीदाबाद, पहली गुजरात में थी, दूसरी और तीसरी हरियाणा में थी। और कम सीटों का कम मार्जिन से जीतने वाली भी हमारी रोहतक से ही पूरी लगभग 7-8 हज़ार वोट से ही हमने जीती थी। तो जीत जीत है, जीत भी होगी, हमारे मार्जिन भी बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा कार्यकर्ता पूरे विश्वास के साथ अपने काम में लगा। सीटें भी अनाउंस कर दी और सभी लोकसभा विधानसभा के कार्यालय भी खोल दिए, भाई इतनी जल्दी हमें नहीं, हम आराम से करेंगे, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, नाच ना जाने आनंद तेवा, अब वो अपना कैंडिडेट फाइनल कर ही नहीं पा रहे हैं। उनके यहाँ जिस प्रकार से हल्के शब्द तो नहीं बोलता, लेकिन जिस प्रकार से अंतर्द्वंद उनके घर में रहता है, वो अपनी सीटों के बारे में फैसला कर नहीं सकते हैं। वरना चुनाव आयोग तो जिस दिन भी करता, हमने तो इससे पहले भी और विधानसभा में भी कई जगह छत्तीसगढ़ जैसे हमारे पास है, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के कैंडिडेट्स का हमने 3-3 महीने अभी चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा भी नहीं की थी, हमने 3 महीने डिक्लेयर कर दिए थे। उनको डर लगता है कि एक को अगर करेंगे तो दूसरा जो है वो टांग खिंचाई करेगा, दूसरा विरोध करेगा, उनके लोग बटेंगे। क्योंकि जितना अंतर विरोध कांग्रेस में खास करके देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को टच भी नहीं कर सकता। वहां तो एक मुख्य धारा में है और एक एसकेआर की धारा में है, कोई तीसरी धारा भी बनी हुई है। तो हमारे यहाँ अनुशासित पार्टियों को बनाते हैं, हम जब भी करेंगे और जितना समय ज्यादा काम करने के लिए मिलेगा उतना ही लाभ होगा। अब नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे हैं, और मना करने के कारण से जब वो अपने ही घर में कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो दुनिया भर की अनाप शनाप बातों की अफवाह भी फैला रहे हैं। और वो अपनी चिंता करें तो ठीक, उनको हमारी भी चिंता हो रही है। और अनाप शनाप हुआ क्या फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो 4 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट बदलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी है,
भारतीय जनता पार्टी एक बार जो निर्णय लेती है निर्णय फाइनल है और हम बहुत कुछ सोच समझ के निर्णय लेते हैं, प्रयास समय पहले लेते हैं, हमारा किसी को कोई दुविधा नहीं है। जो हमारे कैंडिडेट हैं 1 से 10 सबके सब वही कैंडिडेट पूरे जोगर से लगे हुए हैं, पूरे परिश्रम से लगे हुए हैं, पूरा काम कर रहे हैं। हमारे विधानसभा के कार्यालय खुल गए हैं, सभाएं हो रही हैं, इस समय तक लगभग 40 विधानसभाओं के कार्यक्रम तय हो गए हैं जो आने वाले 15-16 अप्रैल तक कम्प्लीट हो जाएंगे। बीच में क्योंकि फसल का कटाई का सीजन आता है, हो सकता 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की सभाएं होंगी वो कम हो पाएंगी, शहरी विधानसभाएं उस समय हमारी होंगी। क्योंकि जहाँ कटाई का सीजन का असर नहीं है वहाँ सभाएं कर सकते हैं शाम के समय, रात के समय। 25 अप्रैल के बाद बाकी बची जनसभाएं वो सबकी सब संभवता नामांकन करके समय तक हम सारी पूरी कर लेंगे। 6 मई नामांकन का अंतिम दिन है और शायद 9 या 10 को विद्राल का अंतिम तिथि है। उसके बाद लगातार 14 दिन प्रचार अभियान है, रोड टू रोड प्रचार अभियान करेंगे। हमारे हर समाज में लोग जाएंगे, हर इलाके में जाएंगे, बूथ लेवल तक जाएंगे, न केवल बूथ लेवल तक बल्कि हमने हर बूथ को उसके भी जितने वोटर लिस्ट के पन्ने होते हैं उतने भागों में बांटा हुआ है। एक पन्ने में 60 वोट लिखे होते हैं, 60 वोट को संभालने वाला एक हमारा कार्यकर्ता होगा। हमारे एक माइक्रो मैनेजमेंट एक साइंटिफिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं और इसी कारण से देश में आगे बढ़ रहे हैं। आज पन्ने हो पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्य में शासन भारतीय जनता पार्टी का है, सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की है, सबसे ज्यादा सांसदों की भारतीय जनता पार्टी की है। और जिस मेहनत से हमारा नेतृत्व, हमारे नेता, हमारी नियत, हमारी नीति, इनके हिसाब से हम चल रहे हैं, लगातार हम इस अपने प्रथम स्थान को बनाए रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चुनाव चुनाव है, इसलिए सबकी निगाह सब पर रहनी भी चाहिए क्योंकि चुनाव में एक बहुत बड़ा मंथन होता है। देश भर में यानी लगभग 70-80 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो मतदान का उपयोग करेंगे। हरियाणा में भी 2.82 करोड़ में से लगभग 2 करोड़ के आसपास 1.95 करोड़ समथिंग इतने वोटर्स हैं। तो इन वोटर्स को हर कोई चाहेगा कि हमको ज्यादा मिले तो दूसरों पर ध्यान रखेंगे, अपने पर ध्यान रखेंगे, लेकिन विश्वास ये है कि जनमत आज मोदी जी के साथ खड़ा है, जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इसलिए उस जनमत को भी हम निश्चित दिन वोटर मशीन तक आकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। इसमें दो जीत का हम लोग ध्यान कर रहे हैं, एक जीत होती है लोकतंत्र की जीत, एक होती है पार्टी की जीत। लोकतंत्र की जीत ये होती है कि कितना ज्यादा मतदान हुआ, ये लोकतंत्र की जीत है। हम चाहेंगे कि देश में 90-95% लोग मतदान करें, क्योंकि पिछली बार तो लगभग 70-72 रह गया था, हम और बढ़ाएंगे। हमारा हर तरफ का लगा है कि मतदान अवश्य करिए। दूसरा है पार्टी की जीत, कि जो मतदान हो उसमें से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए, वो होगी पार्टी की जीत। दोनों जीत को सामने रखकर के हम चल रहे हैं। पार्टी के साथ हमारा ना तो पहले गठबंधन रहा है, मैं पार्टियों के गठबंधन की बात कर रहा हूँ, और ना आज गठबंधन रहा है। हमारा गठबंधन पार्टियों का भी हुआ ही नहीं है। हाँ, सरकार में उनकी भी आवश्यकता थी, हमारी भी आवश्यकता थी, हमने मिलकर के सरकार चलाई, सरकार का सहयोग उन्होंने किया, हमने मिलकर के सरकार चलाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज अलग हुए तो सरकार से अलग हुए हैं, तो ये पार्टियों के गठबंधन का बनने का तोड़ने का तो कभी भी विषय नहीं था, आज भी नहीं। कल कई जगह पहला का बयान आया है कि 1 या 2 ग्रामीण शहरी सीटें ही जीत पाएंगी बीजेपी। मैं तो कहता हूँ कि हर विपक्ष का दल जो क्लेम करे सो करे, ये उनके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, ये जनता के हाथ में। इतनी सीटें जितानी है जनता ने, उसमें वो भी कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी मेहनत के आधार पर आशा कर सकते हैं कि जनता हमको 10 की 10 सीटें जिताएगी। कई जगह पर किसानों ने भाजपा का विरोध किया, इस पर आप क्या कहते हैं? कभी नहीं किया भाजपा के विरोध अभी तक। हाँ, इक्का दुक्का विरोध मैंने दूसरे दलों के नेताओं का देखा है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की एक आवश्यकता होती है कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, दूसरे की बात पे विरोध नहीं करना चाहिए। ये लोकतंत्र का एक मूल मंत्र है। अगर इसमें एक सीमा से आगे कोई बढ़ेगा तो जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है,
चुनाव आयोग कभी भी इस प्रकार के लोग को न होने दे, तो आज सारी मशीनरी चुनाव आयोग के साथ चल रही है। तो आशा करता हूँ कि अगर सीमा से आगे कोई बढ़ेगा तो चुनाव आयोग जरूर एक्शन लेगा। भाजपा को लोग वोट दे रहे हैं, देखिए आपने जिस ढंग से प्रश्न किया है इसका उत्तर तो मैं देते देते अगर शुरू करूँ तो शाम हो जाएगी। हमने कौन सा काम ऐसा है जनता हित में जो नहीं करना किया, नहीं किया, जनता हित में सब काम किए हैं। हाँ, कुछ काम भूल हो गए हैं, कुछ काम हमारे चल रहे हैं और उन कामों के नाते से जनता इतनी प्रसन्न है। हमारा पारदर्शिता का शासन, हमारा बिना किसी भेदभाव के, बिना पर्ची खर्ची के घर बैठे लोगों को लाभ मिले, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की बात हो, आज अकाउंटेबिलिटी हो गई है, ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी है, जनता को नेताओं के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता है, जनता के घर बैठे काम होता है। एक समय वो था जब वोट फलों के ऊपर भीड़ लगती थी और भीड़ एम्प्लॉइज की भी बहुत लगती थी, जनता की तो लगती लगती थी। एक समय आया सन 1968 की बात बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री थे उस समय चौधरी बंसीलाल, अपने ऑफिस में जा रहे थे, उनको ऑफिस के अंदर घुसने का रास्ता नहीं मिला क्योंकि भोजपुरों में अध्यापकों की भीड़ थी, उनको थोड़ा तेज तेवर के आदमी थे, तो उन्होंने फटाफट पता कराया कि आज सेक्रेटरी का कौन कौन आया है, जितने अध्यापक आए हैं उन सबको शाम तक भाषण कर दो। ये उस समय बात कर वही अध्यापक हमको भी उस समय जब 76 से 96 97 98 जब हमारा शासन था वो भी भंसीलाल जी के साथ ही था, उस घटना को ध्यान करा करके मैंने चौधरी साहब को कहा चौधरी साहब एक पॉलिसी बना देते हैं, ये ट्रांसफर लेके रोज रोज क्यों आते हैं। वो विवाद हुए बड़े, कुछ लोग कहने लगे हाँ कुछ लोग ना, लेकिन लागू नहीं हो पाए। बाद में ये सुझाव मैंने हिमाचल में भी दिया जब हमारी सरकार थी, वहाँ भी कुछ नेता ऐसे होते हैं नहीं नहीं ये अगर करते हैं तो हमारे पास कौन आएगा, कुछ नेता ऐसे होते हैं नहीं इनका काम घर बैठे आए तो क्या जरूरत आने की, मैं उनमें से एक था, मैंने कहा नहीं घर बैठने के काम होने चाहिए। अब आने के बाद ट्रांसफर पॉलिसी बनाई और जिस दिन पहली बार ट्रांसफर ड्राइव चला 93% ऑफ टीचर्स वर सेटिस्फाइड हैविंग फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन, और जहां 93% लोग सेटिस्फाई हो जाए तो 7% को भी अगले सालों में और लाभ मिल जाएगा और साल मिल जाएंगे। आज कोई टीचर या कोई एम्प्लॉई हमारे यहाँ ट्रांसफर की भीड़ नहीं लगाता। अब इसको विपक्ष के लोगों ने अन्यथा लिया कि जी इनके तो घरों में कोई आता नहीं है, इनके तो ऑफिस में भीड़ होती नहीं है, हमारे यहाँ बहुत भीड़ होती थी, यही भीड़ उनके नुकसान का कारण बनती थी, और इसी भीड़ का ना आने का मतलब है कि लोग सेटिस्फाइड हैं और उनको आने की जरूरत नहीं है, ना उनको पैसा खर्च करना है, ना उनको गाड़ियाँ लेनी है, ना उनको दलालों के चक्कर काटने हैं, ना उनके दिमाग में कुहा पर रहती है, ना उनको पैसा देना पड़ता है। तो ये जो एक ईज ऑफ लिविंग जो काम किया है ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमने 9.5 साल में किया है, जनता को उसका लाभ। अच्छा तो है क्या मेरा क्या रोल है, कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बहुत लोग ऐसे हैं क्योंकि वो कीचड़ में फंसे रहते हैं, वो कीचड़ में डूबे रहते हैं, कुछ ना कुछ वही मिलता रहता है जो उनको जलपान मिलता होगा कीचड़ में, कुछ लोगों को उस कीचड़ में ही जो कमल खिला होता है वो दिख जाता है, तो जो कमल दिख जाता है वो फिर फिराउट कमल की सवारी करते हैं। अब कमल की सवारी में आनंद लेने वाले जो लोग आनंद लेते रहते हैं, कभी कभी वो कमल पर चढ़ जाए और उसको लगे कि मैं तो वहां जाता हूँ ज्यादा मजा था या तो कुछ मजा नहीं है, तो मजा लेने के लिए फिर कीचड़ में घुस जाता। सर सर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का किसानों का कहना है कि बीजेपी जेजेपी ने अपने समय रहते हुए उनको हमने दिल्ली के लिए मना नहीं किया, क्योंकि अभी भी एक प्रदर्शन करके आए हैं दिल्ली में, विषय इतना ही था कि जो साधन ट्रेवलिंग के होते हैं ट्रांसपोर्ट के होते हैं उनसे जाइए। अब ट्रैक्टर पर प्रदर्शन करके और उस ट्रैक्टर में भी ऐसे ऐसे उसका जो करके ले जाते हैं उसके ऊपर अटैचमेंट, और वहां जाकर के जिस प्रकार का एक न्यूसेंस मिटाने का उनका मंसूबा होता है, क्योंकि मैंने पिछली बार देख लिया आखिर ये सारे किसान नहीं है, इनमें कुछ इस प्रकार के सो कार्ड जिसको कहना चाहिए एक ऐसा सीन पैदा करते हैं न्यूसेंस का कि जिसका दुनिया को ध्यान आकर्षण जाए, आखिर ये वही लोग हैं जो लाल के केले को चढ़ गए थे, ये क्या दिल्ली जाने की बात थी, लाल किले पर चढ़े जाए, जो लाल किला हमारे सुवर्णी का प्रतीक है जहाँ 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा लहराते हैं और वहां जाकर के उद्घोषणा करेंगे, तो आखिर एक बार कोई घटना हो जाए तो अगली बार सावधानी नहीं रखनी पड़ेगी। पिछली बार एक साल भर हमारे दोनों बॉर्डर सिंधु बॉर्डर टिकरी बॉर्डर वहां का कितना व्यापार नुकसान हुआ, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ,
तो उसकी व्यवस्था रोकथाम उसका लोगों को, आखिर इनका अधिकार है तो लोगों का बहुत बड़ा अधिकार है, उनको कहा ट्रैक्टर वैक्टर इस प्रकार के जो आगे पीछे उसका हथियार लगा के ले जाए, ये अलाउड नहीं है। आप बसों से जाए, आप उतनी गाड़ियों से कारों से जाए, आप ट्रेन से जाए, आप पैदल जाए, ट्रैक्टर लेके घुसेंगे, क्यों? उतना ही विरोध था और उन्होंने कामयाबी उसमें हासिल की, उसका हमने रोक के रखा। लेकिन अगर कहीं ये आज कोई इस प्रकार की बात करते हैं कि हम इनको नहीं आने देंगे, उनको नहीं आने देंगे, चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग पर हमको भरोसा है, निश्चित रूप से चुनाव आयोग इसका अच्छा होता कि वो जोड़ों के नाम से अपनी पार्टी को जोड़ लेते। भारत को कोई खतरा नहीं है, जिस भारत को कश्मीर को तोड़ने के लिए हथियार के रूप में 370 को बना के रखा था, जिसका डर लगा रहता था कि कश्मीर कहीं टूट ना जाए, उस कश्मीर को बचाए रखने के लिए हमारे नेताओं ने क्या किया, 370 को ऐसे उड़ाया जैसे मक्कल में से बाहर निकाल के फेंकते, कुछ हुआ? आज उस भारत को जोड़ने के लिए हमने 370 हटाई। तो इस प्रकार के काम तो प्रैक्टिकल किए जाते हैं, शोर नहीं मचाया जाता। इन्होंने तो देश को तोड़ने के लिए, इनके बड़े नेता ने एक बार ले लद्दाख के बारे में एक विषय पार्लियामेंट में उठा, या जो चाइना के साथ लगता हुआ जो पहाड़ी एरिया जो बिल्कुल बंजर एरिया है, वहां जब चीनी सेना ऊपर चढ़ गई, चिंता व्यक्त की गई, तो उस बड़े नेता ने कहा कि वहां जमीन पर घास का तिनका तो उगता नहीं, पर आगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो वही एक मिट्टी टाइप के हमारे कोई सांसद थे, हमने सुना है कितना सच्चा कितना नहीं, लेकिन बात जो सुनी है मुझे लगता है ठीक ही होगी। तो उन्होंने उस नेता को कहा, थोड़ा बुजुर्ग थे वो नेता, कि आपके ये दांत पर एक भी बाल नहीं है, तो इस दांत को भी दे देते चाइना को, दांत समझते हैं, इस पर भी बाल नहीं है कोई, इसको दे दो चाइना को। जमीन जमीन है तो देश की मातृभूमि जिसको हम कहते हैं, वो हमारे देश का जो भूमि का टुकड़ा है, वो हमें जान से भी प्यारा है, उसको बचाना सुरक्षा करना ये हमारा काम है। तो देश को सुरक्षा रखने का काम जितना सुनिश्चित ढंग से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, शायद ही कभी इतना सुरक्षित देश के लोगों ने अपने आप को महसूस किया होगा। आज दुनिया भर का जो आतंकवाद, दुनिया भर का नक्सलवाद, वो देश में रुका है, थमा है। नहीं तो उस समय था कश्मीर में हमें से जाने वाले लोग बैठे थे, मैं तो दोनों में सुबह होके आया हूँ, मेरी चुनाव ड्यूटी थी, शाम को 4 बजे के बाद वहां बाहर इन्हें एक अघोषित कर्फ्यू लगता था, कोई आदमी निकल नहीं सकता था। आज कश्मीर में दिन में जाओ, रात में जाओ, कभी चले जाओ, नक्सलवाद का पूरा गैलरी बंगाल से लेकर के और नीचे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और समुद्र किनारे तक पूरा गलियारा बना हुआ था नक्सलवाद का, माओवादी कितना ज्यादा धक मचाते थे, वहां भी जा नहीं सकते थे। मैं बस्तर में रह के आया हूँ कोई 4 महीने चुनाव ड्यूटी पर, और मेरे साथ सिक्योरिटी पूरी थी, सब सावधानी बरतने के लिए कहते थे, फिर भी एक दो घटना ऐसी हुई, बाल बालम बचे, लेकिन वहां लोग जा नहीं सकते थे। आज सब नक्सलवादी आज सरेंडर कर गए हैं कि नहीं, अब शासन ऐसा है जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गरीब आदमी की सेवा करना, गरीब आदमी के लिए कुछ करना, अच्छा कुछ ऐसी मानसिकता उस समय उनकी क्यों पनपती है देश में उपद्रव करने की, कि शासन उसको धर्म नहीं देता। अगर ये जो भिंड बनाना जनता की चहती बग्गी वहां के डकैत क्या नाम था, पुलंदे, लेकिन किसके लिए काम करती थी वो, वहां जनता की, गरीब जनता को सरकार का लाभ नहीं मिलता उसके लिए काम करती थी, और वही खड़ी हो गए, खड़ी हो गई तो मेंबर पार्लियामेंट बन गई, 5 साल मेंबर पार्लियामेंट रही ना पूर्ण देवी। बाद में पता लगा कि सरकारी सुविधाओं का न होना ये बहुत बड़ा एक कारण बनता जनता के असंतोष का, वो सब पहचान करके मोदी जी ने 10 साल में सब चीजों को ठीक किया। नॉर्थ ईस्ट लगता था कि पता नहीं देश का रहेगा कि नहीं रहेगा, आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुसार सभी 7 छोटे बड़े प्रांत जो नॉर्थ ईस्ट में है, कई जगह सरकारें बन गई है, कई जगह हमारे विधायक बन गए हैं, अपोजिशन का रोल कर रहे हैं, लेकिन आज कोई विरोध भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और संबंध है अभी भी होली के दिन हमारा उनका मिलना भी हुआ है, और उन्होंने कहा कि ठीक है मेरी जो भी स्थिति है, मैं मंत्री की बजाय विधायक रह करके अपने भारतीय जनता की सेवा करूंगा। अभी 2 विधानसभा की जो कमेटियां हैं उसमें वो मंडल बने, तो आप पूरा भाग भी लेते हैं, सब अच्छा हमारा मिलना जुलना। और उन्होंने सब कहा कि मैं आपकी लोकसभा में, मुझे कहा कि करनाल लोकसभा में मैं जरूर आऊंगा, और बाकी भी जो बुलाएंगे वो आएंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं कोई, और जो अंबाला लोकसभा उसमें तो घूम ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।